कितने रन चाहिए आपको? 100, 200, 300। मैं टीम के स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल एक प्लेयर आपको अगर पसंद है, उसके 100, 200, 300 रन चाहिए आपको एक मैच में, तो आप पाकिस्तान के इस कराची स्टेडियम में भेज सकते हैं, जहां पे चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, सबके खिलाड़ी आराम से आ रहे हैं, मजे मजे में सेंचुरीज, डबल सेंचुरीज जैसे मारे जा रहे हैं। तो ये स्टेडियम, अगर कोई आपका खिलाड़ी, आपके देश का खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, तो बोलिए भाई साहब एक बार टूर कर लेते पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में, वहां पे फॉर्म अच्छे से वापस आ जाएगा। तो ऐसा ही चल रहा है, बहुत बोरिंग सा यू नो आउटकम निकल के आ रहा है सारे मैचेस का। तो अब इस मैच में ये जो वेन्यू है कराची का, वापस से इसी में मैच होने वाला है। पहला मैच भी यहीं पे हुआ था, दूसरा भी यहीं पे मैच है। इसमें आप कैप्टन, वाइस कैप्टन आपको किसको बनाना है, आपको यू नो प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है, आपकी ड्रीम 11 की टीम कैसी दिख सकती है, अब केन विलियमसन को कैप्टन बनाए, बाबर आजम को कैप्टन बनाए, ये सारी कंफ्यूजन है। तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं, आपको पूरा विश्लेषण डिटेल में मिलेगा, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, आपको पिच रिपोर्ट के साथ साथ आपको हेड टू हेड और प्लेयर्स के, टीम के सब डिटेल में मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर तो करें, और कॉमेंट सेक्शन में आपकी 11 कैसी दिखेगी ड्रीम टीम की वो भी बताइए, और कुछ सवाल तो वो पूछ सकते हैं आप। साथ में आप नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। बात करते हैं इस मैच की, ये है पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टेस्ट मैच 2 जनवरी को 10:30 सुबह में। अब इसके आप 10:30 का टाइम, मैच स्टार्ट होने का टाइम है, आपके लिए क्रूशियल टाइम कितने बजे का है? 10 बजे का, जब टॉस होगा, और टॉस के बाद कुछ अपडेट्स, कुछ चेंजेस आ सकते हैं स्क्वाड में। हालांकि 99% चांस है कि दोनों स्क्वाड, दोनों टीमें जो है अनचेंज्ड जाएंगी अपने दोनों को टीम का स्क्वाड लेके इस मैच में भी, क्योंकि सेम ग्राउंड पे मैच है और सेम थॉट प्रोसेस एक मैच में शायद चेंज ना हो, तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्वाड हम मान रहे कि वैसा ही होने वाला, तो आपको बाद में पता चलेगा कि क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं नहीं हो सकते, बट अभी के हिसाब से सेम स्क्वाड मान के चलिए। तो और टॉस के बाद देख लीजिएगा, कुछ चेंजेस हुए तो अपनी टीम में भी वो चेंजेस कर लीजिएगा, और अगर आपको इतना करने में असुविधा होती है तो आप सिंपली हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे हम। बाकी ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन मैंने कि ये सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और इसका आपको टाइमलाइन भी मिल जाएगा आपको, जब वीडियो आप तो देख रहे हैं अभी फिलहाल, नीचे देखिए वहां पे आपको चैप्टर्स बने हुए हैं, आप जाके वहां पे टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली उस जगह पे आप पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपको सीधा पिच रिपोर्ट देखनी है, या फिर आपको सीधा हेड टू हेड प्लेयर का रिपोर्ट देखना है, या फिर आपको सीधा टीम ही चाहिए देखने के लिए, तो आप आराम से वहां पे डायरेक्टली जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉप फैंटेसी पिक्स की बात करें, यानी कि ऐसे 4 प्लेयर जो अगर आप मल्टीपल टीम बना रहे, मान लीजिए 5 टीमें 10 टीमें बना रहे, तो हर टीम में आप ट्राई कर सकते हैं इन 4 प्लेयर को, आपको नुकसान कम से कम होंगे, क्योंकि ये 4 प्लेयर अमूमन आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स देके जा रहे हैं हर मैच में। तो ऐसे 4 प्लेयर कौन से? पाकिस्तान की तरफ से अबरार अहमद और बाबर आजम, न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन और इस सोदी, ये 4 प्लेयर को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं खासतौर से इस मैच के लिए। अब आप ट्राई कीजिए, आपको होपफुली मजा आएगा, और सारी बातें कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी पिक्स कौन से होंगे, आपको प्लेइंग 11 कैसी दिखती है, ड्रीम 11 की टीम कैसी दिखेगी आपकी, सारा चर्चा करेंगे लेकिन इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक कुमार की फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम बात करें पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के इस मैच की, दूसरा टेस्ट मैच है। अब ये मैच डिसाइड करेगा कि सीरीज कौन जीतता है, क्या ड्रॉ होता है, या फिर पाकिस्तान जीतती है या फिर न्यूजीलैंड जीतती है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान इस साल 7 टेस्ट मैच खेली अपने होम कंट्री पे, लेकिन एक भी मैच जीती नहीं है, वो ड्रॉ हुए या फिर हारी है। ये बहुत क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैट्स है जो हमको दिखे यहाँ पे। पाकिस्तान इसको सुधारना चाहेगी इस टेस्ट मैच को मतलब जीत के, और 1-0 से सीरीज भी शायद बना ले, लेकिन उसके लिए सामने टीम भी बहुत तगड़ी है। देखते हैं क्या टीम है दोनों की, उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पिच एंड कंडीशंस। अब पिच वापस से वेन्यू वही है, पिच बैटिंग सेकंड, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पिच में थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हरकत होगा तो पहले दिन होगा, उसके बाद पिच एकदम कहते हैं मर जाती है, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं, किसी के लिए कोई हेल्प नहीं, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे वो आपको स्लो बॉलर हो, स्पिन बॉलर हो, आपको किसी को कोई मदद नहीं मिलता, पिच एकदम सपाट हो जाती है, और बिल्कुल बॉलिंग के लिए कफन सा कह लीजिए आप, कफन सा ही है। और अगर इस केस में जो टीम बैटिंग सेकेंड करती है, फिर जो टीम बैटिंग फोर्थ करेगी उसको फायदा हो जाता है, अगर मान लीजिए टोटल में या कि चेजेबल टोटल है, जैसे कि पहले मैच में हुआ 100 कुछ रन चाहिए थे, 135 रन के आसपास कुछ चाहिए थे, उसको न्यूजीलैंड जो चेज कर लेते कुछ और ओवर्स होते तो,
उस हिसाब से जो लास्ट बैटिंग करेगी टीम उसके दिमाग में आइडिया रहेगा कि मेरे पास चेस करने के लिए कितने रन है, उसके हिसाब से वो टीम अपना प्लानिंग कर सकती है, इसलिए बैटिंग सेकंड यहाँ पे लिखा है। वेदर कंडीशंस बोले तो मैच स्टार्ट होने के टाइम 18 डिग्री सेल्सियस और 30% जो है ह्यूमिडिटी रहेगी, लेकिन मैच शुरू होने के बाद जो है बीच में आपको ये 24 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, तो इसके वैसे पूरे दिन भर कोई और इंटरप्शन की हमने न्यूज नहीं है, कोई इंटरप्शन की वेदर रिपोर्ट नहीं है, बट वो ये कि लाइटिंग का थोड़ा इश्यू आ सकता है कि पिछले टेस्ट मैच में हर मैच में आपको लगभग आधे घंटे पहले मैच बंद हो जा रहा था क्योंकि लाइटिंग का इश्यू आता है, वही इस मैच में भी आ सकता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले ये मैच मुल्तान में होने वाला था जहां पे कि आपको और ज्यादा फॉग हो सकता था, मतलब शाम के 3 बजे शायद मैच बंद हो जाता, तो इसीलिए इसको यहाँ पे से शिफ्ट किया है और वो 3 तारीख की जगह 2 तारीख हो गई, तो बैक टू बैक सेम पिच पे ही मैच है। और पिच कंडीशंस बोले बैटिंग सेकंड है तो उसके साथ साथ आपको अगर कहें तो स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट मान सकते हैं, थोड़ा बहुत जो मदद मिलेगा वो स्पिनर्स को मिलेगा इस पिच पे क्योंकि बैक टू बैक मैचेस है और फास्ट बॉलर्स को शायद पहले सेशन में पहले दिन के आपको थोड़ा बहुत मदद मिल सकता है, तो इसलिए आप ध्यान से चुने, मतलब होशियारी से चुने और हम आपको कुछ सजेशंस देंगे, आप उसके हिसाब से भी वर्कआउट कर सकते हैं। बैटिंग रिकॉर्ड 363 का इनका स्कोर, मतलब फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है पिछले 5 मैच का, उसके हिसाब से बैटिंग फर्स्ट करें और बैटिंग सेकंड का भी 340-50 के आसपास है, 343 है मेरे ख्याल से, 343 स्कोर है बैटिंग सेकंड का भी एवरेज, लेकिन पिछले मैच में 600 के पार चला गया था, तो इसलिए आप बैटिंग सेकंड ही अमूमन प्रेफर किया जाता है इस ग्राउंड पे, वो आप समझ सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके आप एक एक्स्ट्रा बैटर को चूज कर सकते हैं अपनी टीम में, एक्स्ट्रा बैटर या फिर ऑलराउंडर आप अपनी टीम में ले सकते हैं। अब हेड टू हेड क्या है इन दोनों के बीच में, तो पाकिस्तान ओवरऑल तो पाकिस्तान लीड करती है 25 से और न्यूजीलैंड 14 मैचेस जीती है, लेकिन लास्ट 5 देखे तो 1-3 का है, पिछला मैच ड्रॉ हो गया इसलिए 1-3 का है वरना 1-4 का था उससे पहले, और अगर ड्रॉ मैचेस की बात कर ही रहे हैं तो 22 मैचेस जो है टाइट रहे हैं कुल इन दोनों के बीच में, और इस वेन्यू पे 7 कुल मैच हुए, 7 मैच हुए उसमें से 3 पाकिस्तान जीती और 4 मैच ड्रॉ रहे, तो ये मैच भी शायद ड्रॉ रह जाए अगर पिछला पिच जैसा था वैसा ही पिच रहा, तो ये भी उसी के तरफ अग्रसर हो सकता है, उसी की तरफ बढ़ सकता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं, बैटिंग फ्रेंडली टीम बना सकते हैं जहां पे आपको बैटर्स काफी पॉइंट्स देंगे। बात करते हैं प्रोबेबल 11 की, पाकिस्तान की 11 कैसी दिख रही है, अब्दुल्ला साफिक, इमामुल हक, शाह मसूद, बाबर आजम, शौज अकील, सरफराज अहमद, आका सलमान, नौमन अली, मोहम्मद वसीम, अब्रार अहमद और मीर हमजा, ये जो है आपको 11 पिछले मैच में दिखी थी और यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मैच में भी आपको सेम ही सेम टू सेम 11 दिखेगी, कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल इस मैच के लिए, और इसके आपको स्किल सेट दिए हुए, प्लेइंग स्टाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स आपको दिए हुए, लास्ट 5 के रन और विकेट दिए हुए, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स पिछले 10 मैच के हैं इस फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास मैचेस हो, उन दोनों को मिला के यहाँ पे एवरेज फैंटेसी पॉइंट हमने यहाँ पे आपके लिए लिख के दिया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सा प्लेयर कैसे फॉर्म में है फिलहाल, उसको लेना चाहिए आपको नहीं लेना चाहिए, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये आपको स्किल सेट प्लस नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वैसे न्यूजीलैंड का भी आपको स्किल सेट और नंबर्स यहाँ पे मिल जा रहा है प्लस विकेट भी मिल जा रहा है। अब इनकी 11 देख सकते हैं जो पिछले मैच खेले थे वही खेलने वाली, मोस्टली टॉम लेथम, डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, हेनरी निकल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लंडन, माइकल ब्रेसवेल, टीम सऊदी, इस सोधी, नील वागनर, एजाज पटेल, ये आपको 11 जो है इनकी दिख जाएगी, मोस्टली यही 11 आपको मैच के दिन भी दिखने वाली है। अब बात करते हैं हेड टू हेड की, इन दोनों टीमों के बीच में कैसी है, तो हेड टू हेड उतना ज्यादा स्टैट्स नहीं है कि आप किसी एक प्लेयर के अगेंस्ट डोमिनेंट बोल सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कुछ स्टैट्स जो मिले हमें वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। शान मसूद बनाम टीम सऊदी, अब इन दोनों का मैं बात करूं तो बहुत परेशान करते हैं टीम सऊदी शान मसूद को, वैसे टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट से कोई मतलब रहता नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो आपको 117 बॉल की टीम सऊदी ने शान मसूद के अगेंस्ट और सिर्फ 17 रन दिया 14.5 के स्ट्राइक रेट से, तो बहुत स्ट्रगल, इनको रन तो मार ही नहीं पाते और 2 बार आउट भी किया है, तो टीम सऊदी के अगेंस्ट शान मसूद एकदम खरे पिच पे सिमट जाते हैं, वहां पे उनको क्या बोलते हैं आपको रन स्कोर करने का मौका देते नहीं टीम सऊदी, तो इसीलिए टीम सऊदी के अगेंस्ट शान मसूद को शायद आप ट्राई ना करना चाहे सेम टीम में। दूसरे आपके सरफराज अहमद बनाम एजाज पटेल, अब एजाज पटेल का बताऊं तो मैं आपको कुल 143 बॉल किए हैं, 89 जो है रन दिए हैं, साथ में आपको स्ट्राइक रेट 62 का है, आउट 3 बार किया है, तो एजाज पटेल ने सरफराज अहमद को 3 बार आउट किया है। उसके बाद अब्रार अहमद बनाम माइकल ब्रेसवेल, अब माइकल ब्रेसवेल और अब्रार अहमद कहें तो ये 7 कुछ बॉल किए, जी हाँ सिर्फ 7 बॉल किए, उसमें 2 बार आउट भी कर दिया है,
इसी टेस्ट मैच मतलब पिछले टेस्ट मैच में ही दो बार आउट किया है, सिर्फ 7 बॉल में 2 बार आउट करने का मतलब कि इनको इनकी इनकी जो लेग ब्रेक है वो समझ में नहीं आ रही, हाथ से नहीं पढ़ रहे, वो पिच के हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे चकमा खा जा रहे हैं। तो इसलिए अबरार अहमद और माइकल ब्रेसल को आप शायद अलग अलग टीम में रखना चाहें, एक टीम में शायद नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए आप ध्यान से सुने और एक अच्छी टीम फॉर्म करें तो छोटे छोटे टिप्स जो है यह मैं दे रहा हूं आपको वो काफी काम में आ सकते हैं। अब आते हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमारी फैंटेसी टीम कैसी बनेगी, तो चलिए फटाफट टीम बताते हैं। उससे पहले आपका जो काम है आप वो कर दीजिए, आप प्लीज लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फैंटेसी 11 पर तो विकेट कीपर्स में टॉम ब्लंडल, सरफराज अहमद, बैटर्स में बाबर आजम, डेवन कॉनवे, टॉम लेथम, केन विलियमसन, ये 6 जो है आपके टॉप ऑर्डर के बैटर्स हो गए। उसके बाद ऑलराउंडर में आगा सलमान है, आपके बॉलर्स में अबरार अहमद, नोमन अली, टीम सऊदी इस्तोदी, ये 11 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मैच के लिए आपके लिए बेहतरीन रहेगा, स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए, मतलब ऐसे ऐसे टीम्स जहां पे कम खिलाड़ी खेलते हैं और आपको जीतने का परसेंटेज ज्यादा रहता है, मतलब आपको जीतने का परसेंटेज 50-70% रहता है कि जब जीत जाएंगे, तो वैसे वैसे जगहों पे आप इस टीम को ट्राई कर सकते हैं, सेफ टीम है। और इसके कप्तान वाइस कप्तान कौन है, कप्तान में आपके बाबर आजम, डेवन कॉनवे, केन विलियमसन और अबरार अहमद, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इस टीम के हिसाब से। आप एग्जैक्टली कॉपी मत कीजिएगा, आप एकाध कुछ चेंजेस अपने गट फीलिंग के हिसाब से, अपने जो हमने स्टैट्स दिया उसको देख के आप चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जो आपको ज्यादा सुटेबल लगता है इस फॉर्मेट के हिसाब से और इस पिच के हिसाब से, वो आप चेकआउट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हमने सिर्फ एक ही पेसर को रखा है टीम सऊदी, क्योंकि वो शायद पहले अगर बॉलिंग आ गई तो वहां पे आपको पाकिस्तान को थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग नहीं पहले बॉलिंग आती है तब आप टीम सऊदी की जगह किसी और एक स्पिनर को ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप मोहम्मद वासीम को भी ट्राई कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको बैक कर रहे हैं और खासतौर से टॉस कौन जीत रहा है, टॉस जीत के क्या कर रहा है, बैटिंग या बॉलिंग, उसके हिसाब से आपको चेंजेस कर लीजिएगा। तो ये आपकी स्मॉल लीग हेड टू हेड की टीम हो गई। अब बढ़ते हैं ग्रैंड लीग की टीम की तरफ, तो हमारी 11 ग्रैंड लीग की ये दिखेगी आपको, सरफराज अहमद, बाबर आजम, डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, इमामुल हक, ऑलराउंडर्स में आगा सलमान, माइकल ब्रेसवेल, बॉलर्स में अबरार अहमद, एजत पटेल, नॉमन अली, इस्तोदी, ये आपको 11 प्लेयर्स जो है ड्रीम 11 में या फिर आप माई 11 सर्कल पे या फिर हाला प्ले पे या फिर गेमजी पे जहां पे आप खेलते हैं ग्रैंड लीग का जो कॉन्टेस्ट होता है उसको आप इस टीम के साथ खेल सकते हैं। एग्जैक्टली कॉपी मत कीजिएगा नहीं तो सबको का सेम हो जाएगा और कोई जीतेगा नहीं, तो इसलिए एग्जैक्टली कॉपी ना करें, 2-3 प्लेयर्स अपनी गट फीलिंग के हिसाब से भी ले लीजिएगा टीम में जो आपको लगता है कि इस मैच में बेहतर कर सकते हैं आपके गट फीलिंग सिक्स सेंस के हिसाब से या फिर आपके स्टैट्स की जो समझ है उसके हिसाब से, तो आप ट्राई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है, सरफराज अहमद, डेवन कॉनवे, आगा सलमान और इस्तोदी, सबके स्टैट्स हमने पहले दिखा रखे हैं, आप उस स्टैट्स के बेसिस पे आप चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको स्टैट्स सबके पता चल जाएंगे, आप प्लीज चेकआउट कीजिएगा। और ये आपको ग्रैंड लीग की टीम होगी, फटाफट आप ग्रैंड लीग की टीम में भी एग्जैक्टली कॉपी ना करें, कुछ चेंजेस कर लीजिएगा। ये बार बार मैं कह रहा हूं कि आप एग्जैक्टली आंख बंद करके ये टीम ना लगाएं, आप कुछ चेंजेस जरूर कर लें। तो ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम हो गई, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम हो गई, स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम हो गई, तो सब हमने कवर कर लिया टीम के नजरिए से। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको बहुत और ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। आप इन्वेस्टमेंट पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सुन लीजिए, आप लो टू मीडियम खेलिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, आप ग्रैंड लीग में कम टीमें लगाइए, स्मॉल लीग हेड टू हेड में ज्यादा टीमें लगाइए जहां पे आपको जीतने का परसेंटेज ज्यादा है, 50-60% जीतने का परसेंटेज। तो ग्रैंड लीग में आप कम टीमें लगाइए, अगर मान लीजिए 10 टीमें लगा रहे तो उसमें से 1-8 टीम आप ग्रैंड लीग में लगाइए, बाकी आपको 8-9 टीम जो है आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड में ट्राई कर लीजिएगा। बाकी कॉन्टेस्ट वही खेलिए जो आपको ज्यादा सुटेबल लगता हो, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, आप इंजॉय कीजिए गेम को, और होपफुली हम दुआ करते हैं कि आपकी विनिंग्स अच्छी हो और रैंकिंग्स अच्छी आए। अगर आपको मान लीजिए कि इसके अलावा और टीमें चाहिए, मतलब यहां पर हमने सिर्फ 2 टीम दिखाई, इसके अलावा और टीम चाहिए 50-60 टीमें ड्रीम 11 पे लगाने के लिए या फिर माई 11 सर्कल पे लगाने के लिए, तो आपके लिए हमने स्पेसिफिकली बना के रखा है अपने वेबसाइट www.fantasygully.com पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबको चेकआउट करना मत भूलिएगा। और फाइनली ये हमारा ऐप है, यहां से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, नोटिफिकेशन तो जाएगा 10 बजे के आसपास कि भाई कुछ टीम में चेंजेस हो गए, ये इसके हिसाब से चेंज कर ले अपने टीम में, ये आप देख सकते हैं ऐप के थ्रू। और दूसरा आपको यहां पे सारा डेटा पॉइंट्स मिल जाएगा फिंगर टिप्स पे, यूजर फ्रेंडलीनेस बहुत है, आप उसको चेकआउट करना ना भूले, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, तो आप प्लीज चेकआउट कीजिए दोनों चीज को और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था,
होपफुल आपको मजा आया हो, अगर मजा आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में लिख भेजिए, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया है तो भी आप कमेंट में लिख भेज सकते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मैं रौनक कुमार केडिया अलविदा कहता हूँ, नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।